वाराणसी की जिला अदालत में बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े दो बेहद अहम मामलों में सुनवाई होनी है। हालांकि बुधवार को वाराणसी के वकील एक दिन की हड़ताल पर हैं। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि आज हड़ताल के कारण अदालत कोई नई तारीख तय करेगी। वहीं इस बीच वकील विष्णु शंकर जैन का बयान आया है। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कल कोर्ट ने अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटाया। इसके कारण ये है कि उन्होंने प्राइवेट कैमरामैन हायर किया था और सर्वे की सारी बातें लीक की। हमने कोर्ट में आवेदन दिया कि हमें वजू खाने के नीचे की दीवार उसे तोड़कर जाने की इजाज़त दी जाए। इस पर कोर्ट आज अपना आदेश पारित करेगा। राज्य सरकार ने भी एक आवेदन दिया है कि वहां पर मछलियां ना मरे और उनका संरक्षण किया जाए। इस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगी कि नहीं, ये मैं अभी नहीं बोल सकता। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर बुधवार को अदालत में सुनवाई होती है तो वादी पक्ष की महिलाओं के उस अर्जी का विरोध करेंगे जिसमें नंदी भगवान की मूर्ति के सामने मस्जिद की दीवार को तोड़कर सर्वे कराए जाने की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष कहा है कि जब तक कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट अदालत में दाखिल नहीं हो जाती तब तक अदालत को सर्वे से जुड़ी अर्जियों पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।